हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं वीनू और आप देख रहे हैं मेरा चैनल वीनू डायरीज। आज हम बनाएंगे चीज पेटीज। ये वेज चीज पेटीज बनाइए, इसको आप बर्थडे पार्टी पर, किसी फेस्टिवल पर या किसी गेस्ट के घर आने पर बना सकते हैं। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं अपने चीज पेटीज बनाना। ये हमारे चीज वेज पेटीज बनाने के इंग्रेडिएंट्स हैं। 2 मीडियम साइज़ के मैंने आलू लिए हैं, जिनको मैंने उबाल कर छील लिया और ठंडा करके रखा हुआ है। 50 ग्राम मैंने नूडल्स लिए, जो बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। 1 मैंने मीडियम साइज़ का शिमला मिर्च काट लिया है। 1 स्मॉल साइज़ का मैंने गाजर लिया, इसको भी काट लिया है। 1 मीडियम साइज़ का प्याज, इसको भी काट लिया है। और ये टमाटर और हरी मिर्च, इनको भी बारीक काट लिया है। 1 चम्मच मैंने हरा धनिया लिया है, 2 चम्मच चीज, 2 चम्मच टोमेटो केचप, 1 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट, कॉर्नफ्लोर 1 चम्मच, चाट मसाला, सफ़ेद नमक, लाल मिर्च पाउडर, ब्रेड क्रम्स 4 बड़े चम्मच। और सैलो फ्राई करेंगे, उसके लिए मैंने ये ऑयल लिया। चलिए फिर शुरू करते हैं। अब मैंने गैस पे पैन रख दिया है। पहले हम नूडल्स पकाएंगे, उसके लिए मैं 1 गिलास पानी डाल देती हूँ और उसमें थोड़ा सा नमक डाल देती हूँ और इसको गरम कर लेती हूँ। फिर इसमें हम गरम होने के बाद इसमें नूडल्स डालेंगे। देखिए, अभी मेरा पानी गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें नूडल्स ऐड कर देती हूँ और उनको अच्छे से पका लेती हूँ। ये देखिए, बॉयल हो चुके हैं नूडल्स अच्छे से और पक भी गए हैं। अब मैं इनका पानी निकाल देती हूँ। ये देखिए, मेरे नूडल्स तैयार हो गए हैं। अब मैं ठंडे होने के लिए एक साइड में चलती हूँ। तब तक ये ठंडे हो रहे हैं, मैं नेक्स्ट प्रोसेस पे चलती हूँ। मैंने एक बाउल ले लिया है, इसमें मैं अपने 2 आलू, इनको कद्दूकस कर लेती हूँ। देखिए, मेरे आलू अच्छे से कद्दूकस हो गए हैं। अब मैं इसमें 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर ऐड कर देती हूँ। कॉर्नफ्लोर आपको बहुत ज़्यादा नहीं डालना है और इसकी जगह आप बेसन या मैदा कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन कॉर्नफ्लोर से इसका टेस्ट और भी अच्छा आता है। अब ये मेरा कॉर्नफ्लोर इसमें मिक्स हो गया। मैं 4 चम्मच ब्रेड क्रम्स, वो भी इसी में ऐड कर देती हूँ। जैसा चपाती का डो होता है, मुझे ऐसा ही डो इसका तैयार करना है। अब मैं इनको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। ये अच्छे से मिक्स हो जाए, इसके लिए मैं इसको हाथ से थोड़ा एक जैसा मिक्स कर देती हूँ। अब मैं इसमें नमक ऐड कर लेती हूँ। 1/4 टीस्पून मैंने इसमें चाट मसाला लिया है। नमक आप अपने अकॉर्डिंग डालिए। 1/4 टीस्पून मैंने इसमें सफ़ेद वाला नमक लिया है। अब इनको अच्छे से मिक्स करें, लेकिन मुझे ये ऐसा चपाती जैसा डो नहीं लग रहा है, तो मैं इसमें थोड़ा और ब्रेड क्रम्स ऐड कर देती हूँ। आप इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड ना करें, आपको जितनी ज़रूरत है आप इसी के अकॉर्डिंग ब्रेड क्रम्स ही ऐड करें। ये मैं इसमें 2 चम्मच और ऐड कर देती हूँ और मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ। अब मुझे ये परफेक्ट लग रहा है, मैं इसका एक रोटी जैसा डो तैयार कर ली। देखिए, मेरा डो तैयार हो गया है। अब मैं इसको एक साइड में रख देती हूँ और नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलती हूँ। मैंने एक बाउल लिया है, इसमें मैं 2 चम्मच टोमेटो केचप, ये इसमें ऐड कर देती हूँ। एक चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट, वो भी मैं इसमें ऐड कर लेती हूँ। अदरक और लहसुन के पेस्ट से इसका टेस्ट और भी अच्छा आता है। ये मैंने लाल मिर्च पाउडर 1/4 स्पून, ये आप अपने अकॉर्डिंग डालिए। सफ़ेद नमक, ये भी मैंने 1/4 डाला है। और ये चाट मसाला, मैंने ये भी 1/4 ही लिया है, आप कम या ज़्यादा जो भी डालें। और मैं इसमें ये प्याज जो मैंने लिया था, वो भी इसमें ऐड कर देती हूँ। सब्जियाँ आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी ले सकते हैं। इसमें आप कॉर्न भी ले सकते हैं, बीन्स ले सकते हैं, या फिर पनीर भी ले सकते हैं। जो आप पसंद करें वो आप इसमें सब्जियाँ ले सकते हैं। ये मैंने इसमें सारी सब्जियाँ ऐड की हैं। मैं इसमें शिमला मिर्च भी सभी कुछ ऐड कर देती हूँ। बारीक कटी हरी मिर्च थी, वो भी मैंने इसी में ही डाल दी है। एक जो मैंने गाजर लिया था, वो भी मैं इसमें ऐड कर देती हूँ और अच्छे से इसको मिक्स कर लेती हूँ। एक चम्मच मैं हरा धनिया, वो भी इसमें डाल देती हूँ, इससे भी इसका अच्छा टेस्ट आता है हरा धनिया। और मुझे अच्छे से मिक्स कर लेना है ये। अब मैं इसकी पेटीज बनाना शुरू करती हूँ। इसके लिए मैं एक छोटी सी मोटी सी लोई ले लेती हूँ और इसको थोड़ा सा बेल लेती हूँ हाथ से, ऐसे
थोड़ा ताकि मेरी स्टफिंग इसमें आ जाए। इसको कटोरी की शेप दे देना है ताकि इसमें अच्छे से स्टफिंग फिल हो जाए। और इसमें मैं एक चम्मच अपनी स्टफिंग ये रख देती हूँ। थोड़ा सा मैं इसमें नूडल्स रख देती हूँ, बच्चों को बहुत पसंद आता है नूडल्स। और मैं इसमें थोड़ा सी चीज़ भी ऐड कर देती हूँ, चीज़ से इसका फ्लेवर और भी अच्छा आता है। और मैं इसको बंद कर देती हूँ। बंद करते हुए अगर मुझे थोड़ा कम पड़ रहा है तो मैं और थोड़ा सा उठा के इसको दबा दबा के बंद कर देती हूँ। देखिए ऐसे हल्के हल्के हाथ से इसको मुझे प्रेस करते हुए, और मुझे थोड़ा सा लग रहा है तो मैं इसमें थोड़ा सा और डो उठाती हूँ और इसमें अच्छे से चिपका देती हूँ। और ये देखिए अब मेरी ये पेटीज तैयार हो गई है। देखिए अब मैं इसको ब्रेड क्रम्स में लगाकर एक साइड में रख लेती हूँ और ऐसे ही अपनी सारी पेटीज तैयार कर लेती हूँ। देखिए मेरी सारी पेटीज ऐसे ही तैयार हो गई है। अब मैंने एक पैन में 2 चम्मच ऑयल डाला है। आप इसको घी में भी बना सकते हैं, तेल में भी बना सकते हैं, आप जो भी पसंद करें ऑयल। हमें इनको सैलो फ्राई करना है, इनको डीप फ्राई बिल्कुल नहीं करना है। देखिए मेरा ऑयल भी गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें धीरे हल्के हाथ से इनको एक बार और ब्रेड क्रम्स में लगाकर और इनको सैलो फ्राई कर लेती हूँ। देखिए मैंने चारों पेटीज अपनी अच्छे से रख दी है। अब मैं इन पर हल्का हल्का सा ऊपर से भी ऑयल लगा देती हूँ और मैं इनको मीडियम आंच पर ही सिकने देती हूँ। ये देखिए मैंने मेरी ये एक तरफ से हो गई है। मैं इनको थोड़ा सा पलट देती हूँ, हमें दूसरी तरफ से भी सेकनी है। ये बहुत गर्म है, हल्के हल्के हाथ से इनको अब पलट देती हूँ। इनको बहुत ही हल्के हल्के हाथ से पलटना है क्योंकि बहुत गर्म है। ये देखिए हमारी एक तरफ से कितनी अच्छी सिकी है ये। अब हमें इनको दूसरी साइड से भी सेकना है। अब मैंने इनको दूसरी साइड से भी सिकने के लिए रख दिया है। हमें इनको मीडियम पे सेकना है। और देखिए मेरी तैयार हो गई है। अब मैं इनको निकाल लेती हूँ। मैंने टिश्यू पेपर पे निकाला है, थोड़ा ऑयल होगा तो ये पेपर हमारा सोख लेगा। ऐसे हमने इनको सैलो फ्राई किया है, इनमें ऑयल बिल्कुल भी नहीं होगा। ये देखिए मैंने अपनी चारों पेटीज को एक टिश्यू पेपर पे निकाल लिया। अब हम चलते हैं इनके सर्विंग की तरफ। तो भाई वेज पेटीज हैं, इनको सर्व करने में भी वेज का लुक आना चाहिए। तो मैंने इसके लिए थोड़ा सा ये पत्ता गोभी लिया है, इसको मैंने ऐसे फैला दिया है। इस पर थोड़ा सा मैंने कसा हुआ गाजर लिया है, इसको भी मैंने ऐसे डाल दिया है। और थोड़ा सा मैंने हरा धनिया से इसको डेकोरेट किया है। अब मैं इन पर अपनी वेज पेटीज रख देती हूँ। ये देखिए ऐसे ये दिखने में भी बहुत अच्छी लग रही है और खाने में भी, आप इनको ज़रूर ट्राई करिए। अब मैं इन पर थोड़ा थोड़ा सा ऊपर से भी डेकोरेट कर देती हूँ। उसके लिए मैंने थोड़ा सा ये गाजर ऊपर से भी इनके ऊपर डाला है ताकि दिखने में भी बहुत अच्छा लगे। थोड़ा सा मैं इनको हरे धनिया से भी अच्छे से गार्निश कर देती हूँ। अब मैं इनके ऊपर थोड़ी थोड़ी चीज़ लगा देती हूँ जिससे इनका लुक और भी बहुत अच्छा आएगा। और ये देखिए मेरी वेज पेटीज़ तैयार हो गई हैं जिसमें अंदर चीज़ भरा हुआ है, नूडल्स हैं जो बच्चों को बहुत पसंद आती है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए। ये मेरी अदर वीडियो है जिनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप इनको भी ज़रूर ट्राई करिए।